गाइस लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, देखो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर है, थोड़ा समझना भी है. ठीक है, और ये वाला चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है. जैसे तुमने देखा था हमारे पास रिप्रोडक्शन था सबसे पहला चैप्टर, राइट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें भी याद करने वाला था. सेम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी कुछ चीजें याद करने वाली है और बहुत ईजी है. देखो माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, क्या नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Yes, sir. Human welfare के लिए, मतलब जो humans के welfare के लिए use होता है, मानवता के भलाई के लिए बोल सकते हैं. वैसे बहुत सारे माइक्रो, जैसे कोरोना है तो ये तो नुकसान कर रहा है, बहुत सारे बैक्टीरिया टाइफाइड कर देते हैं, हमने देखा ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में. तो क्या वो ह्यूमन वेलफेयर था? नहीं, no, sir. वो तो ह्यूमन के सारा डिस्ट्रक्शन के लिए था, डिजीज इतनी सारी हो जाती है. लेकिन ऐसा नहीं, इसमें मान लो दही है तो दही के अंदर जो माइक्रोब है वो नुकसान करते हैं, फायदा करते हैं हमें? फायदा करता है, फायदा करता है. तो इसका मतलब अब हमें ऐसे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे हमें क्या होता है, फायदा होगा. तो ह्यूमन वेलफेयर, तो इसका मतलब सबसे पहले अगर हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो कहना इसे माइक्रोब्स ऐसे होते क्या है अपने आप में, कहना इसे जो हमें दिखते नहीं है, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर क्वाइट माइक्रोस्कोपिक, या माइक्रोस्कोपिक भी बोल सकते हैं, राइट. तो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर माइक्रोस्कोपिक. You need microscope if you want to see them. Okay, so we can say microscopic, right? Okay, so we can see them only with the help of. You can say can be seen by only microscope. Yes, by electron microscope or the microscope, compound microscope. You can say. Okay, ठीक है. तो अब देखो हमारे पास ऐसे बहुत सारे माइक्रोब है जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होते हैं. तो हमारे पास डाइवर्स, जैसे ह्यूमंस भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और कुछ बहुत गंदे लोग भी होते हैं, राइट. भाई इंसानों में भी तो ऐसा होता है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही बुरे होते हैं, राइट. इतने सारे केसेस आते हैं, डेली न्यूज देखते होंगे. तो उसी तरीके से माइक्रोब्स भी होते हैं. तो कुछ क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बहुत गंदे भी होते हैं, राइट. तो कुछ होते हैं गुड हमारे लिए और कुछ होते हैं बहुत ही बैड. जैसे कोरोना की बात कर रहा हूँ तो कोरोना क्या है, गुड और बैड? बैड. ठीक है, तो इसी को देखते हुए हमारे पास जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, सबको पता है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया. जैसे मशरूम है तो मशरूम भी, तो वैसे मशरूम भी अपने आप में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, राइट. तो उसको हम खाते नहीं खाते, ऑल्दो वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है. ठीक है, ऐसी प्रोटोजोअन्स होते हैं कुछ. तो ये हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी मेरे पास एल्गी भी होता है. तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं, राइट. सुनो भाई, बैक्टीरियोफेज, लोग क्या बोलते हैं कि गंगा के अंदर क्या है, बैक्टीरियोफेज है. कहते हैं ना गंगा का पानी साफ होता है, उससे कोई बीमार नहीं पड़ सकता. क्यों? क्योंकि गंगा के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं तो उनको कौन मार देता है, तो उनको मार देता है बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है ना जो बैक्टीरिया को किल करता है और हमको कुछ नहीं करता. तो इसका मतलब अगर गंगा के अंदर एक ऐसा बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस बुला हुआ है जो हमको कुछ नहीं करता लेकिन बैक्टीरिया को मारता है, तो हमारे लिए तो अच्छा है. अच्छा नहीं है भाई? बिल्कुल सही. ठीक है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए. तो इसी को देखते हुए हमारे पास क्या है, बहुत सारे टाइप के हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले. ठीक है, आई गेस जब तुम 11th क्लास में थे मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, बहुत सारे हमने बैक्टीरिया को शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है. याद आया? जैसे ये होता है मेरे पास मोनोक्यूकस, याद आया कुछ कुछ शेप के अकॉर्डिंग अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूँ तो बहुत सारे टाइप के हैं. ये वैसे आता नहीं है बट स्टिल यू शुड नो इट. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, मोनोक्यूकस. क्यूकस शेप होती है ना, गोल गोल, रिमेम्बर अनन्या? यस. अच्छा मान लो अगर ये पेयरिंग में आ गए कि हम तो अकेले नहीं रहेंगे, हम तो साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ, तो फिर ये क्या बन जाएगा मेरे पास, जरा बताओ एक बार. तो ये दो दो हो गए ना, तो इसलिए हमसे क्या बोलते हैं, देखो शेप तो अभी भी गोली है तो इसको बोलते हैं डिप्लोक्यूकस. ठीक है, गोल गोल हो गया ना. मान लो अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने चेन बना ली है, मान लो ऐसे चेन बनाते जा रहे हैं इस तरीके से, एक लंबी सी चेन सांप की मौसी, और यू कैन से लाइक अ स्नेक. तो ये इस तरीके से इसे हम क्या बोलते हैं, फिर मैंने बताया था याद आया, स्ट्रेप्टोक्यूकस. ठीक है, चेन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टो. अच्छा मान लो लेकिन अगर सारे बैक्टीरिया ने बंडल बना लिया है ऐसे गोल गोल, जैसे कहते हैं जुग्गा एक टाइप का, एक पूरा पूरा एक क्लस्टर बना लिया है, कॉलोनीज बना लिए ऐसी, तो इस कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ऐसे भूल गए, आई टोल्ड यू स्टैबी. ठीक है, तो स्टैबिलोक्यूकस. तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हमने शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है, राइट.
तो क्या बैक्टीरिया सारे के सारे एक जैसे होते हैं? नो सर। तो इनकी शेप बहुत सारी होती है, चलो क्यूकस शेप हुआ। ऐसी मैंने बताया था रॉड शेप बैक्टीरिया भी होते हैं, राइट? Yes, ये रॉड शेप इस टाइप के हैं, तो ये मान लो ऐसे अकेले अकेले हुए तो इसका नाम क्या होता है? मोनोबैसिलस। आई टोल्ड यू मोनोबैसिलस। वैसे एग्जाम में बहुत कम आता है, बट आई गेस 11th क्लास में आपने पढ़ा था, राइट? जैसे सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अभी दो दो हुए तो इसका क्या नाम होना चाहिए बताओ? ऊपर जरा बनाओ सिंक्रोनाइजेशन। डिप्लोबैसिलस। वेरी गुड। ये डिप्लो का मतलब दो दो और बैसिलस का मतलब इस तरीके से, डिप्लोबैसिलस। ठीक है, ऐसी मान लो अगर ये चेन बन गई ऐसे, इस तरीके से अगर ये चेन बन जाए, स्ट्रेप्टोबैसिलस। वेरी गुड, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, क्या इस क्यूकस का स्टेबिलोबैसिलस पॉसिबल लग रहा है? सोचो। नो सर। देखो वो गोल गोल थे तो गोल गोल आपस में गोल गोल बना लिया उन्होंने ऐसी कॉलोनी, लेकिन इस टाइप का कॉलोनी बनना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि इनकी शेप गोल नहीं है ना, तो ये तो अलग हो गए ना अपने आप में, इनका गोल को थोड़ी बन पाएगा, कॉलोनी थोड़ी बन पाएगी, तो इसलिए बहुत कम देखा गया है कि कॉलोनी में मिले, तो इसलिए इसका स्टेबी नहीं है। ऐसे ही बताया था मैंने कि मान लो कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो इस टाइप की शेप के, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग शेप टाइप की, क्या ना इसे स्पिरुलम। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? स्पिरुलम शेप के अकॉर्डिंग। और शायद मैंने पढ़ा भी होगा एक होता है कॉमा शेप बैक्टीरिया, राइट? कॉमा जैसे होते हैं। यस सर। तो इस कॉमा शेप को हम क्या बोलते हैं? विब्रियो। रिमेम्बर, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो ये 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे बस ऐसी है कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे टाइप के होते हैं, और आई गेस तुम लोग एक पढ़ा होगा, मैंने शायद वही बताया था, एक बैक्टीरियोफेज कैसा दिखता है, याद आया? जेनेटिक्स के अंदर बताया था। यस सर। जब रेडियो एक्टिविटी वाला हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हार्शियन चेज, याद आया? यस सर। वो हमारे पास हार्शियन चेज टाइप का हमने करा था, तो ये इस तरीके से था, ये यहाँ पे इसकी इस तरीके से होता है, राइट? और फिर यहाँ से इस तरीके से मतलब टेल निकल के आती है इनकी ऐसे ऐसे। तो उस हार्शियन और चेज ने क्या करा था एक्सपेरिमेंट? डीएनए जेनेटिक मटीरियल प्रूव किया। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल लेकिन प्रोटीन नहीं होता है, राइट? तो ये मेरे पास क्या है? मेरे पास बैक्टीरियोफेज है, और ये बैक्टीरियोफेज हमेशा किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को? क्या ये हमारे लिए भी नुकसान करता है? नो सर। अब तक ऐसा नहीं देखा गया है, ठीक है? तभी तो लोग गंगा के पानी को पी लेते हैं, कहते ना बेटा बहुत शुद्ध पानी है, पी लो, कोई बात नहीं, तो लोग पी लेते हैं तो बीमार थोड़ी पड़ते हैं, ठीक है? तो इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो इसका मतलब कहना ही से माइक्रोब्स आर यूजफुल टू द मैनकाइंड इन वेरियस वेज और इन मेनी अदर वेज, बट All microbes are beneficial for us? No sir. Some are harmful for us, right? जैसे कि बहुत सारी डिजीज हो जाती है हमको, we got the disease. Okay. So in this chapter, as the name suggests, microbes and human welfare. So we are only going to study about the important microbes, right? Which are essential for us. Not essential, but yes, beneficial you can say. So now, okay. So guys, let's start. देखो इस chapter के अंदर यही है कि हमें चीजों के नाम याद रखने, किससे क्या मिल रहा है, ठीक है? शराब की भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, इथेनॉल की भी बात कर रहा हूँ, तो वो किससे आ रहे हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो भी हम उसे बेनिफिशियल ही मानेंगे, ठीक है? मेरे ख्याल से हर तीसरे घर के अंदर ये चीज अगर यूज हो रही है तो ऑफकोर्स हम उसे मानेंगे ये बेनिफिशियल, ठीक है? ऑल्दो इट इज नॉट गुड, नॉट सो गुड, ठीक है? तो अब हम कर रहे हैं अपने हाउस होल्ड के लिए, तो क्या क्या चीजें घरों के अंदर यूज हो सकती है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दही मोस्टली घरों में खाई जाती है या नहीं? Yes, सर, खाई तो बहुत ज्यादा खाई जाती है, राइट? मैं तो दो दो बार खाती हूँ। वेरी गुड। क्या क्या प्रोटोकॉल खाते हो? दो दो बार खाती हूँ। अच्छा, दो दो बार। बिल्कुल, यस, गुड। एक वो भी आती ना मीठी दही, मीठी दही, क्या कहते हो उसे, मिस्टी दही, तो वो भी कर्ड होती है, राइट? वो तो अच्छी होती है बहुत। तो इसका मतलब कर्ड जो होता है, तो कर्ड किससे पड़ता है देखा होगा कि अगर मान लो तुम्हें घर पे बनानी होगी तो तुम पहले से दही डालते हो ना दूध के अंदर, फिर पूरी दही बन जाती है थोड़ी देर बाद नहीं मतलब कुछ टाइम बाद, राइट? तो कहना ही से उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? यीस्ट। ओह माय गॉड, फंगस, लैक्टोबैसिलस। यस, लैक्टोबैसिलस अनन्या, ठीक है? वो शराब होती है यीस्ट से, ठीक है कि तुम्हें यीस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट यीस्ट नहीं होता है अनन्या, ठीक है? लैक्टोबैसिलस होता है, दही भी खाया करो। तो यस, तो ये गट इज प्रोड्यूस बाय लैक्टोबैसिलस, ठीक है? अब इसी को एक और चीज क्या बोल सकते हैं, कहना इसे लैब
ये लैब का हमारा लेबोरेटरी नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहलाए जाते हैं, राइट, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड ही तो होता है भाई। यस सर। भाई दही खट्टी लगती है मीठी लगती है? वैसे तो मीठी वाली आ गई है मार्केट में, लेकिन ओरिजिनल तो थोड़ी खट्टी खट्टी होती है ना। यस सर। लैक्टिक एसिड, एसिड इज शावर इन टेस्ट, पड़ा हुआ शोर इन टेस्ट, खट्टा। यस सर। तो ये अच्छा, ये कट किसकी वजह से मिलती है वैसे? कैनाई से, मिल्क की वजह से। तो इसका मतलब हमें पता है ना कि कट कहाँ से आई है, मिल्क प्रोडक्ट तो है, तो मिल्क से ही कट बनाया जाता है। अगर मिल्क के अंदर ही बैक्टीरिया तुमने डाल दिया तो वो सारे मिल्क के ऊपर फीड करके दही बना देता है, राइट। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आता है कि बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या करता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये लैब है, लैब का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो ये अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बाबा जी है, एक बुड्ढे अंकल जी है, अगर उनको दूध दोगे तो ज्यादा अच्छा है या दही दोगे तो ज्यादा अच्छा है? सोचो, दूध देंगे तो ज्यादा अच्छा है। सुकृति तुम्हें क्या लगता है? दही देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे दही ज्यादा पसंद है। बताया सही है, बट रीजन का ठीक है। देखो अब दूध है, जैसे कभी छोटे बच्चों को देखा, जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो कभी कभी जब उल्टी करते हैं तो दही दही से निकल के आती है। Yes, sir. कभी कभी हो जाता है छोटे बच्चों के साथ, जो उल्टा सीधा करते हैं लोग, तो दो उल्टी कर देते हैं कभी छोटी सी बॉडी, ठीक है ना। हम लोग नहीं करते क्योंकि हमारी बॉडी काफी डेवलप हो गई है, उनका इतना छोटा सा तो पेट होता है, तुम खाओगे उल्टा कर दिया तो उल्टी कर देगा तुरंत ही तुरंत, ठीक है। तो इसका मतलब दूध कहीं ना कहीं अंदर जाके थोड़ा थोड़ा दही जैसा बन रहा है। Yes, तो अगर बुड्ढे अंकल जी हैं, उनकी तो डाइजेस्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो अगर तुम दूध दोगे तो दूध से अंदर अंदर वो कोएगुलेट होगा, मतलब दही जैसा बनेगा और फिर जाके वो डाइजेस्ट होगा। तो अगर तुम पहले से ही थोड़ा सा डाइजेस्टिव दही ले रहे हो तो अच्छा कौन सा हुआ, दूध या दही? दही। दही हुआ ना, क्योंकि दही में और ज्यादा डाइजेस्ट नहीं करना पड़ेगा भाई, तुम्हें डाइजेस्ट करना था बॉडी में, लेकिन वो ऑलरेडी काम किसने कर दिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने, लैक्टोबैसिलस ने, तो तुम्हारा काम आसान हो गया ना तुम्हारे डाइजेशन के लिए, राइट। तुम्हें और ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही बन गया जो तुम्हारी बॉडी में बनना था बाद में, राइट। यस सर। तो इसीलिए तो मेरे पास जो लैब होता है ये क्या करता है एक्चुअली में, कहना इसे कोएगुलेशन, वो जो मोटे मोटे से हिस्से होते हैं ना दही के, एकदम सॉफ्ट से जो खा लेते हैं लोग, सॉफ्ट सा निकल के आता है एकदम मोटा मोटा सा, देखा होगा, तो वो क्या होता है, उसको प्रोसेस होता है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब जुड़ जाना चीजों का, तो पूरा पूरा निकल के जो आता है तो उसे कोएगुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये दूध को क्या करता है, कोएगुलेट कर देता है, राइट। सो इट कोएगुलेट द मिल्क। क्या ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है या पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है उस दूध को? पूरी तरह से कर देता है। अगर पूरी तरीके से कर देता है तो फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पार्शियली होना चाहिए ना। अच्छा हाँ भाई, मैंने बताया ना बाबा जी जो उन्होंने दही ली थी तो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पार्शियली डाइजेस्ट हुआ ना, क्योंकि थोड़ा बहुत डाइजेशन करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। सो पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क। भाई बैक्टीरिया पूरी तरीके से डाइजेस्ट कैसे करेंगे, वो तो बेचारे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा कल भी क्वेश्चन भी आता है, मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, ध्यान रखना कैजीन। मिल्क के अंदर, ये नीट में आ रखा है, मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, कैजीन, ये प्रोटीन का नाम है, ठीक है। तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है कैजीन। इज दैट क्लियर अनन्या? यस सर। ठीक है। अच्छा लैब का एक फंक्शन तो ये हो गया कि वो पार्शियली डाइजेस्ट करता है तो ये अच्छा होता होगा, और क्या करता है ये, क्या क्या इस दही के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है? यस। तो इट इंक्रीजेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू, और ये हमारे पास एक विटामिन होता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन, विटामिन B12, और इस B12 को हम क्या बोलते हैं, कोबिलामीन। ये एक्चुअली ब्रेन के हेल्दी के ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है, बॉडी को कूल रखता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशनल क्वांटिटी मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और बीकेन से ऑल्सो इट इंक्रीज द कौन सा विटामिन, B12 का नाम होता है कोबिलामीन, और ये कोबिलामीन बॉडी को ठंडा करता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है कोबिलामीन, ठीक है भाई। एनी डाउट इन दिस B12? तो ध्यान रखना विटामिन B12 बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये लैब है, ठीक है। लैब का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो चलो ये तो हुआ हमारे पास दही के बारे में, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। तो दही के बारे में भी एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखो आई गेस तुम लोगों ने ये जो डोसा बनता है, ठीक है, या ये ढोकला वोकला जो खाते हो तुम लोग, इडली डोसा ये सब चीजें, तो इसके लिए एक डफ यूज होता है, राइट। वो जो बनाते हैं लोग कटोरी से ऐसे से लेके तवे के ऊपर करते हैं ना,
तो वो क्या बना होता है, वो डफ होता है राइट, डफ। तो वो जो डफ होता है, डफ से क्या बनता है, इडली और डोसा बनता है हमें राइट। यस सर। ये भी किससे फर्मेंट किया जाता है, बैक्टीरिया से ठीक है। तो जो उसका पफ डब स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, वो जैसे मान लो वो देखे इडली जो होती है, इडली में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, इडली यस में थोड़ा थोड़ा पफी पफी थोड़ा सा होता है ना इडली, तो वो ऐसा यस क्यों होता है, क्योंकि जब वो बनता है तो उसमें से सीओ टू बाहर निकल के आती है। तो जब सीओ टू बाहर निकल के आएगी तो उसमें छेद नहीं हो जाएगा, जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड क्या, ब्रेड में छेद होते हैं छोटे छोटे, यस सर। तो वो छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं, क्योंकि जब वो बनाया जाता है तो उसमें से सीओ टू बाहर निकल के आती है। तो जब सीओ टू बाहर निकल के आएगी तो बताओ वो छेद करते हुए नहीं आ जाएगी, आ जाएगी तो जब छेद करते हुए आएगी तो बताओ तो ब्रेड तुम्हारा सॉफ्ट बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, सॉफ्ट बन सॉफ्ट। जाएगा। अगर छेद नहीं होंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, एकदम टाइट। क्या सुबह सुबह कोई टाइट ब्रेकफास्ट करना पसंद करेगा, नहीं, सॉफ्ट ज्यादा अच्छा होता है ना बॉडी के लिए ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास अगर मैं क्या करूं, तो डफ मेरे पास क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है ये डफ, कैन आई से इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इडली एंड डोसा, डोसे को डोसा ही लिखना होता है ठीक है। अच्छा तो क्या ये वैसे ये कैसे बनाया जाता है डफ, यस कैन आई से, तो इट इज फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया, सो डफ इज फर्मेंटेड, लेकिन ये गंदा वाला बैक्टीरिया नहीं है। फर्मेंटेड का मतलब क्या होता है जरा बताना एक बार, ये मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ होगा या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन, ऑक्सीजन फर्मेंटेशन हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है ठीक है। ध्यान रखना ये जो शराब बनाई जाती है इथेनॉल, ये भी क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। यस सर। अच्छा तो ये जो पफी पफी जो अपीयरेंस होता है, पफी अपीयरेंस क्या होता है, मतलब फूला फूला क्योंकि सा, CO2 रिलीज होती है। वेरी गुड। सो द पफ्ड अप अपीयरेंस, ये चैप्टर बहुत इजी और फ्री के नंबर है बायो में ठीक है। तो पफ्ड अप अपीयरेंस इज ड्यू टू, थोड़ी सी हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क तो है ही नहीं, थोड़ा सा पढ़ना है तो अपने आप ही याद हो जाता है ठीक है। सो ड्यू टू दी सीओ टू प्रोड्यूस्ड, पीसीबी वाले बच्चों की परसेंटेज बहुत अच्छी आती है, अगर उनकी फिजिक्स अच्छी हो जाए तो वो 90 क्रॉस बड़ी आसानी से करते हैं, लेकिन अगर उनकी फिजिक्स अच्छी नहीं है तो 80s में रह जाते हैं, और अगर उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं है तो 70s में रह जाते हैं, और अगर उनकी बायो भी अच्छी नहीं है तो 60s 50s में रह जाते हैं, मानो या ना मानो ठीक है। सो ड्यू टू सीओ टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, अच्छी का मतलब ये नहीं है कि पहले से ही अच्छी होनी चाहिए, लोग अच्छी बनाते हैं उसे प्रैक्टिस कर करके, फिजिक्स में प्रैक्टिस करते हैं, केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करते हैं, और बायो की गारंटी तो मैं देता ही हो जाए ठीक है। एनी डाउट इन दिस, तो ये पफ्ड अप अपीयरेंस क्या होता है, बिकॉज ऑफ द सीओ टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। एनी सिंगल डाउट यू होगा ना सर? नो सर। यस CO2 रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन होगा ना? हाँ, तो CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, एक ही तो बात हुई, CO2 प्रोड्यूस हो गया या रिलीज हो गया, क्या इसमें कोई फर्क है? ठीक है थोड़ा बहुत हो सकता है ना, ये किस क्लास तो है नहीं ठीक है। अरे सर। अच्छा ये हमारे पास यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है रन्या? ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बनाया कि ये हमारे पास एक ब्रेड भी यूज होता है, तो उसके अंदर भी हम यीस्ट यूज कर लेते हैं ठीक है। तो एक चीज मैं लिख देता हूँ फिर भी, कि जो हमारे पास ब्रेड बनाया जाता है, ब्रेड, तो ब्रेड भी किससे बनता है हमारे पास, तो ब्रेड आता है हमारे पास ईस्ट से, तो इसमें भी हम फर्मेंटेशन करवाते हैं ठीक है। तो ब्रेड भी हमको कहाँ से मिलता है, ईस्ट से मिलता है। अच्छा अब ना साउथ के अंदर मुझे एक बात बताओ, कोकोनट बहुत ज्यादा होते हैं राइट, साउथ के अंदर बड़े बड़े देखे होंगे ना प्लांट लगे होते हैं, बहुत सारे नारियल पानी होता है, तो एक्चुअली वो लोग भी शराब का सेवन करते हैं, वो लोग भी इथेनॉल लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि यार जैसे हमारे यहाँ पे बार्ली से बनाया जाता है राइट, बार्ली और ये जो होता है वीट, इन सबको सड़ा के बनाया जाता है, लेकिन अब वहां पे लोग कहते हैं कि नारियल जब है तो क्यों ना नारियल से कुछ बनाया जाए, तो वो ना क्या करते हैं, कोकोनट वाटर को फर्मेंट करवाते हैं, कोकोनट वाटर निकाल लेते हैं उसको फर्मेंट करवाते हैं। फर्मेंट का मतलब क्या होता है, अभी बताया मैंने, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कुछ बैक्टीरिया ग्रो होते हैं राइट, आई मीन ईस्ट भी करवा सकते हैं। तो फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिक कंडीशंस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो करवाते हैं, तो फर्मेंटेशन से फिर वो क्या बन जाते हैं, एक ऐसी शराब बन के आती है जिसका नाम है टॉडी। तो साउथ के अंदर लोग क्या पीते हैं, टॉडी पीते हैं, टॉडी, नॉडी नहीं, देखो आया नॉडी वो अलग चीज है ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टॉडी। तो ये टॉडी कहाँ से प्रोड्यूस, मतलब टॉडी कैसे प्रोड्यूस हुई है? फर्मेंटेशन ऑफ कोकोनट वाटर। वेरी गुड। सो टॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग, फर्मेंटेशन ऑफ कोकोनट वाटर। तो फर्मेंटेशन करवाओगे कोकोनट वाटर का? कोकोनट वाटर, ओके। सो अच्छा, ये कहाँ पे यूज होती है वैसे टॉडी यूजुअली? साउथ। यस, तो बेसिकली साउथ इंडिया का बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। और अगर तुम ऊपर जाओगे हिमाचल की साइड में, तो हिमाचल की साइड में तो लोग सेब का भी बना के पीते हैं, ठीक है। सेब को भी फर्मेंट करवाते हैं, सेब होते हैं उनके पास बहुत सारे। कश्मीर में चले जाओ या हिमाचल में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, ठीक है, तो उत्तरकाशी चले जाओ, तो वहां पे लोग सेब को फर्मेंट करवा देते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं कच्ची, कच्ची, ठीक है, उसका नाम है कच्ची। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, सेब को सड़ा के उसका जूस निकालते हैं, और वो भी काफी, आई मीन काफी यूज होते हैं वहां पर, ठीक है। उत्तराखंड में भी शायद, वहां पे गढ़वाल में भी ये लोग पीते हैं, ऐसे गढ़वाल, मतलब गढ़वाल का वो एरिया जहाँ पे सेब ज्यादा होते हैं, तो वहां पे ये सब लोग बना के खुद ही पी लेते हैं, क्योंकि बाहर से अफोर्ड थोड़ी कर पाते हैं। पूरा का पूरा ये सेक्टर पूरा का पूरा टूरिज्म पे डिपेंड है, तो टूरिज्म पे तो वैसे ही मतलब ठीक है, अच्छा खासा नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ का हो जाता है, तो क्या ये लोग बाहर का ब्रांडेड ले पाएंगे? नहीं। और वो अनहेल्दी को वैसे भी थोड़ा नहीं चाहते, मिलेगा फ्री में तो ले लेंगे, लेकिन यूजुअली वो घर पे बनाना चाहेंगे, तो घर पे वो कैसे बनाते हैं, सेब का यूज करते, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, तो ये तो था हमारे पास टॉडी के बारे में, ठीक है। अब ना इसके बाद हमारे पास आता है देखो चीज के बारे में। तो हमारे पास ना एक्चुअली दो टाइप के चीज होते हैं, तो एक होता है मेरे पास स्विस चीज और एक होता है मेरे पास रॉक्यूफोर चीज, ठीक है। तो देखो रॉक्यू, एक मेरे पास रॉक्यूफोर चीज है, मैं अभी दिखा दूंगा। तो एक रॉक्यूफोर चीज है और एक मेरे पास स्विस चीज है। तो एक्चुअली में रॉक्यूफोर वाला क्या है, ये इसको हम बनाते हैं जब हम फर्मेंटेशन करवाते हैं फंगस का। फंगस का नाम तो मैं याद करने की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंगस का नाम बस ऐसे ही बोला जाता है कि हम जब, ये जो चीज है मेरे पास, तो रॉक्यूफोर चीज है ये मेरे पास, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो जब हम एक स्पेसिफिक फंगस को क्या करवाते हैं, फंगस को राइपेंड करवाते हैं, पका दे उसे। तो मैं, तो ये रॉक्यूफोर चीज कैसे ऑब्टेन होगा, राइपेंड बाय स्पेसिफिक फंगस और यू कैन से फंगस, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्विस चीज की बात करता हूँ, तो स्विस चीज में जैसे वो देखा टॉम एंड जेरी, yes. एक बड़ा बड़ा सा होल होता है, कहीं उसमें फंस भी जाते हैं, कहीं टॉम उसमें ऐसे करता है हाथ डाल के, कहा है ऐसे करके, तो इसका मतलब वो मेरे पास क्या, उसके पास लार्ज लार्ज होल है या नहीं है? Yes, तो वो लार्ज होल कैसे बने होंगे, जरा सोचो, अभी मैंने बताया था। तो ये जो स्विस चीज होता है ना, तो ये स्विस चीज एक्चुअली में मेरे पास एक बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम तुम लोगों को याद करना है, उसका नाम है प्रोप्यूनी बैक्टेरियम शर्मानी, शर्मानी, ठीक है, मतलब शर्मा भी सकते हो। तो प्रोप्यूनी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रोप्यूनी बैक्टेरियम शर्मानी। यस अनन्या, से प्रोप्यूनी बैक्टेरियम शर्मानी। यस, प्रोप्यूनी बैक्टेरियम शर्मानी। तो ये जो मेरे पास है ये बैक्टीरिया, तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, तो जब हम इसका कुछ भी प्रोसेस अपनाएंगे, तो एक्चुअली जब हम इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, तो मेरे पास क्या निकलता है, लार्ज अमाउंट में CO2 निकल के आती है, और जब लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होकर आएगी, तो उसके अंदर, चीज के अंदर बताओ, बड़े बड़े होल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। तो इसका मतलब कहना ही से, इट हैज दी लार्ज होल्स। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो मेरे पास एक बार मैं रॉक्यूफोर चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये किस तरीके से दिखता है रॉक्यूफोर? सर हम जो चीज कंज्यूम करते हैं वो रॉक्यूफोर चीज है। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ठीक है। ये चीज वो नहीं है जो तुम पिज्जा पिज्जा में लगा के खाते हो, वो अलग टाइप का है, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ रॉक्यूफोर चीज एक्चुअली में दिखती कैसी है। ये जो पिज्जा पिज्जा में होती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अलग टाइप का चीज है, देख रहे हो? ये देख पा रहे हैं सारे बच्चे? यस, देख रहे हो? ये क्या फंगी लग रही है? देखो राइट साइड में, देखो ये दिखा रहे हैं इस तरीके से रॉक्यूफोर चीज के अंदर, तो ये फंगस है, देख रहे हो? तो इस फंगस को हमने क्या कर दिया, राइपेंड कर दिया, मतलब वो इस रॉक्यूफोर चीज के अंदर फंगस ऑलरेडी है,
देख रहे हो ना इधर राइट साइड में, तो ये फंगस है, ये फंगस ऐसा है जो हमारे नुकसान इतना नहीं करता है, मतलब करता ही नहीं, तो ये रॉकेफोर चीज है। ओके, हाँ खा सकते हैं, लेकिन चीज का थोड़ा एक्चुअली ज्यादा बेनिफिशियल होता नहीं है, बट ठीक है खा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें तो फंगस होता है ना। हाँ तो सारे फंगस, मैंने बोला ना सारे फंगस खतरनाक नहीं होते हैं, सारे आशी तो मशरूम भी होता है, तो मशरूम क्यों खाते हैं लोग? ठीक है, तो इसलिए सारे फंगस खाने का मन नहीं कर रहा। क्या देखते ही खाने का मन नहीं करता? अच्छा ठीक है, अब टॉम एंड जेरी वाला तो पता ही होगा। हाँ, जो जेरी का जेरी खाता है बहुत, टॉम एंड जेरी से निकाल निकाल के देख रहे हो ये। हाँ, तो इसमें बड़े बड़े होल्स हैं या छोटे छोटे? बड़े बड़े। तो बड़े बड़े जो होल्स हैं हमारे पास, तो इसका मतलब ये वाला जो चीज है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, रॉकेफोर्ड या स्विस? स्विस। ठीक है, स्विस किस तरीके से पीसेस में काट लिया जाता है। तो ये बेसिकली कहाँ से आया है? विद द हेल्प ऑफ Propionibacterium charmani. Everybody remember that. ठीक है अनन्या? ठीक है, तो देखो अब ना हमारे पास, जैसे कि मैंने, ये तो मेरे पास चीज के बारे में हुआ और इसके बारे में तो बताना चाहिए। अनन्या ये टोडी क्या होता है वैसे? टोडी सर ये साउथ में लोग कोकोनट को फर्मेंटेट, कोकोनट वाटर को फर्मेंटेशन करवाते हैं। तो फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है वैसे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, ठीक है, तो इसका मतलब एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हम ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं देंगे या लैक ऑफ ऑक्सीजन रखेंगे, राइट? तो ठीक है भाई, एनी डाउट इन दिस? ठीक है, अब देखो अब ना हम इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके चलते हैं। तो अगर अब मैं इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके चलता हूँ कि इंडस्ट्रियल स्केल में क्या क्या चीजें होती है, देखो इंडस्ट्रियल जो दारू, ये जो दारू बोलते हैं लोग, जो शराब बोलते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल स्केल में बनाई जाती होंगी, राइट? सारी ब्रांड्स है, yes, sir. इतने सारे ब्रांड जो मार्केट में मिलते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल लेवल में बनाई जाती है, राइट? तो इसका मतलब इस इंडस्ट्रियल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो देखो इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारे पास सबसे पहले बात तो बेवरेजेस हो गए, यही जो दारू वारू जो मिलती है मार्केट्स के अंदर, बेवरेजेस। अच्छा और क्या मिल सकते हैं मार्केट के अंदर? एक तो बेवरेजेस हो गया, और क्या एंटीबायोटिक भी तो मिलते हैं, दवाइयां, तो ये भी तो इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाई जाती है, राइट? फार्मा, जैसे कुछ लोग फार्मास्यूटिकल करते हैं, आई मीन जो बी फार्मा करते हैं, डी फार्मा करते हैं, राइट? कुछ लोगों का प्लान होता है ना कि 12th के बाद से मैं तो बी फार्मा करूंगा, मेडिकल मेडिसिन वाली इंडस्ट्री में जाऊंगा, या कुछ लोग डी फार्मा भी करते हैं, आई गेस तुम लोगों ने सुना भी होगा। yes. तो इस टाइप की भी चीजें होती है। ऐसे ही ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं, राइट? बहुत सारे, जैसे सिट्रिक एसिड मार्केट में मिलता है, राइट? लोग कुछ लोग चाउमीन में डाल के भी खाते हैं, राइट? इजंट इट, एसिडिक एसिड आता है मार्केट के अंदर, एम आई राइट? तो ऑर्गेनिक एसिड भी तो मार्केट में आते होंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे, या घर के अंदर बनाए जाते हैं दोबारा रिसाइकल हो जाती है ना, तो उनको क्लीन करके डाला जाता होगा दोबारा से, कंचे वाली जो आती है, देखा देखा वो रिसाइकल किया जाते हैं, तो ये एंजाइम्स उसकी धुलाई होती है। और ऐसी हमारे पास मतलब और भी चीजें हो सकती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ चीजें जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हम यूज कर सकते हैं। ओके yes, तो सबसे पहले अब हम लेते हैं अपना बेवरेजेस। बेवरेजेस वाला पोर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बेवरेजेस की बात करता हूँ, तो बेवरेजेस का मैंने अभी क्या मीनिंग बताया? अल्कोहल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब मैंने बताया कि कुछ लोग अंगूर को सड़ा के बनाते हैं, कुछ लोग सेब को, कुछ लोग वीट को, कुछ लोग बार्ले को, राइट? सुना है ना, तो इसका मतलब ये मेरे पास ईस्ट के अंदर ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक ईस्ट होता है, उस ईस्ट का नाम होता है सैकेरोमाइसिस सर्वीसी। सैकेरोमाइसिस सर्वीसी, रिमेम्बर एक आया था मेरे पास स्विस वाला प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, अभी आया है दूसरा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे लैब भी आया था लैक्टोबैसिलस, तो याद ही रहता है। ठीक है, तो सैकेरोमाइसिस सर्वीसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में अगर ये ना आए, मतलब किसी भी एग्जाम में ऐसा हुआ नहीं कि ये ना पूछा हो, सैकेरोमाइसिस सर्वीसिए, ठीक है, ये एस है, एस ई ए ई। तो ये जो होता है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे बताओ, तो इस ईस्ट का हम यूज करते हैं, और ये यूज बेसिकली क्या करेगा, तो कहना इसे इट इज यूज फॉर फर्मेंटेशन। तो किस चीज का फर्मेंटेशन करवाते हैं वैसे सुकृति? सर जैसे
वीट का इलायची, बहुत सारे फ्रूट। देखो जब जब सेब का जूस निकालते हो तो सेब का जूस हम कहाँ करते हैं यूज, कश्मीर वाले एरिया में, राइट? यस सर। और जो यहीं पर ही, जो यहीं पर ही आता है हमारे डली वाले रीजन में, तो क्या नहीं से माल्टेड सीरियल्स, भाई यहाँ पे तो सीरियल्स का ही आता है ना, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, ये सब चीजें, एंड माल्टेड सीरियल्स, अंगूर का भी बनाया जाता है वैसे, ठीक है। तो क्या नहीं से माल्टेड सीरियल्स का यूज करके उसे किसमें बना दिया जाएगा, ऑफ कोर्स उसका नाम क्या होता है, इथेनॉल। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। इसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा तुमने बहुत सारी चीजें सुनी होगी, राइट? तुमने आईके सुना होगा, विस्की नाम सुना है कभी? विस्की, जैसे वो थ्रीट में बोलता है सर राम, याद आया? ऐसे वो बोलता है। ब्रांडी भी सुना होगा तुम लोगों ने। और एक होती है मेरे पास बियर, एक होती है मतलब वो शराब जिसे नॉर्मल होती है। तो ये एक्चुअली ना इनके मटेरियल पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान सुनना, एक को हमें करना पड़ता है डिस्टिलेशन, मतलब वो डिस्टिल होती है, उसके अंदर कोई सॉल्ट वोल्ट ऐसे कुछ चीज नहीं होती। तो अगर कोई चीज डिस्टिलेशन का, एक चीज आती है डिस्टिलेशन करके, एक चीज आती है विदाउट डिस्टिलेशन करके, ठीक है। तो विदाउट, जैसे तुमने देखो कुछ कुछ के अंदर वाटर मिलाना पड़ता है, कुछ के अंदर नहीं, राइट? जैसे विस्की होती है तो लोग विस्की डायरेक्ट नहीं लेते हैं, एकदम दिमाग खराब हो जाए, आई मीन दिमाग में लगा, जैसे कि अच्छी नहीं होती बॉडी के डायरेक्ट लेना, लेकिन कुछ लोग लेते हैं, उसे हम नीड बोलते हैं, आई गेस कॉमन लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो यूजुअली लोग उसमें वाटर डाल के कंज्यूम करते हैं, एम आई राइट? Yes. डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। तो अब जो डिस्टिलेशन वाली है वो महंगी आती है, राइट? क्योंकि वो डिस्टिलेशन प्रोसेस करके आई है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या, जिसके अंदर कोई भी सॉल्ट वॉल्ट नहीं घुला हुआ है, डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर भी, राइट? तो डिस्टिलेशन वाली क्या होती है, विस्की, राम, ब्रांडी, नाम सुने ये सब? यस सर। अब कंपनी के नाम नहीं बताने, कंपनी के नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारी विस्की मिलती है, बहुत सारी रम मिलती है, बहुत सारी ब्रांडी मिलती है, ठीक है, लेकिन उनके कॉमन नेम क्या है, तुम सारे इंसान हो लेकिन नाम अलग है ना, उसी तरीके से वो विस्की है लेकिन उसका नाम अलग होगा कंपनी का। और विदाउट डिस्टिलेशन क्या होगा, जैसे बियर, क्या बियर महंगी आती है इन सब इनकी कंपैरिजन में? ऑफ कोर्स। जैसे वाइन हो गई सिंपल, ठीक है, वाइन, जैसे कहीं भी पार्टी शार्टी होती है तो लोग यूजुअली रेड वाइन पी लेते हैं, तो रेड वाइन लोग लेते हुए, तो रेड वाइन के अंदर क्या, वो कोई वाटर डालेंगे? नो सर, रेड वाइन तो डायरेक्ट लेंगे। ऐसी बियर के लोग बियर के अंदर पानी डालते हैं? नो, ठीक है, तो बियर के अंदर पानी वानी नहीं डाला जाता है, तो दैट्स व्हाई दे आर बिकॉज दे आर विदाउट डिस्टिलेशन, राइट? सो they are coming without distillation, so that's why no need to add water. So what about vodka? kya vodka? vodka, ha vodka wala distillation hai. vodka kya koi vodka direct leta hai? lene ko kuch log le lete hain lekin lena nahi chahiye, theek hai. to vodka bhi iske andar aa jayega. vodka to shayad company ka naam hai ya fir? मुझे तो इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है जितना पढ़ा, ठीक है, मैं तो कभी देखा भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बेवरेजेस, ठीक है। तो एनी डाउट इन दिस? यस गाइस, ठीक है। अब देखो मैंने एंटीबायोटिक का नाम लिया है तो तुम्हें पता होगा एंटीबायोटिक जैसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद आया? उसने एक फंगस का यूज करके, पेनिसिलियम का यूज करके पहला एंटीबायोटिक बनाया, पेनिसिलिन, एम आई राइट? याद है या नहीं? ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्चुअली में अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, एक्चुअली में वो कुछ स्टेविलोक्यूका बैक्टीरिया के ऊपर कुछ काम कर रहा था, ठीक है। तो उसने देखा कि हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जो बेसिकली उसने पेनिसिलियम नोक्रेटम का यूज करके एक पेनिसिलिन भी बनाया, ठीक है। तो इसके लिए जिसको उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है भाई, तो याद रहेगा सब बच्चों को ये। तो इसका मतलब अगर मैं एंटीबायोटिक की, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट वाली आंटी नहीं, आंटी जी नमस्ते, आंटी एंटी मतलब अगेंस्ट, और बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट नहीं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, राइट, जो तुम्हारी बॉडी में फंगस है उसके अगेंस्ट। तो एक ऐसा फंगस जो दूसरे लोगों को मार देता है वो कौन है, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम फंगस से कौन सा एंटीबायोटिक बनाया गया, पेनिसिलिन, और ये क्या कर देता है, यस गाइस बोलो, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। हाँ, तो जब तुम एंटीबायोटिक, तुम्हें कोई भी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर तुम्हें क्या लिख के देता है, एंटीबायोटिक, ठीक है।
तो इसका मतलब अगर मैं एंटीबायोटिक की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए कौन आया था, कौन सा साइंटिस्ट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. तो फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. तो ये एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या है वैसे? एंटी का मतलब अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंटी का मतलब अगेंस्ट, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे अगेंस्ट या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वेरी गुड. लिविंग मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. राइट अनन्या? ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट एंटीबायोटिक की बात करता हूँ तो वो कहाँ से आया है? पेनिसिलियम. तो एक फंगस था पेनिसिलियम, तो इस पेनिसिलियम फंगस से पहला एंटीबायोटिक बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया? पेनिसिलिन. तो एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन या पेनिसिलियम? पेनिसिलिन. पेनिसिलिन है, ठीक है. और ये जो फंगस है इसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम होता है पूरा, ठीक है. तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है, बेसिकली बहुत सारे डिजीज को तुम्हें क्योर कर सकता है. जैसे डिप्थीरिया हो गया, पर्टियोसिस हो गया, खांसी हो जाती है बड़ी गंदी वाली, लेप्रोसी हो गया, प्लेग हो जाता है. तो ठीक है, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर रिलीविंग सो मेनी डिजीज. ठीक है भाई, एनी डाउट है? सो पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक. ठीक है, तो ये मेरे पास एंटीबायोटिक है. तो अब हमारे पास बचता है कुछ ऑर्गेनिक एसिड, तो हम पढ़ेंगे. सिट्रिक एसिड हमारे पास किससे आता है? एस्परजिलस निगर से. ये इसके ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये फंगस होता है. एसिडिक एसिड आता है एसिडोबैक्टर एसिडी से, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बैक्टीरिया है. एक होता है ब्यूटायरिक एसिड, ये हमारे किससे आता है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटायलिकम से, ठीक है. ऐसे मेरे पास अभी मैंने लैक्टिक एसिड बताया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस. इथेनॉल किससे आता है, मैंने अभी बताया, सैक्यूरोमाइसिस सर्वीसी, राइट. तो ये सब चीजें जो है, ये जो मेरे पास ऑर्गेनिक एसिड है, इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है. तो आज ऐसा कुछ है नहीं, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है. तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये सब रिवाइज करके आना. ओके सर. ओके यस यस सर. मेरा एग्जाम है.